स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष चूर्ण आपको बताया जाएगा, जिस चूर्ण के सेवन करने से जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, पेट में गैस बनता है, बदहजमी की लगातार शिकायत रहती है और पेट में अफारा जैसा रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, पेट पे चर्बी बढ़ रही है और महिलाएं भी, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी इस चूर्ण का प्रयोग उम्र को ध्यान में रख करके कम या ज़्यादा मात्रा कर सकता है और ज़रूरत के आधार पर। जो लोग अपने शरीर में वजन बढ़ाना चाहते हैं, जो लोगों लड़के लड़कियां पतले दुबले ज़्यादा हैं, सूखे साखे ज़्यादा हैं, तो वो लोग इस चूर्ण का इस्तेमाल निसंदेह करें। लिखा हुआ हमारा जो है अनुभूत फार्मूला है, परीक्षित है। अग्नि तो भूख की अग्नि तो इतनी तेज हो जाएगी कि लगेगा पूरे घर का राशन हम ही इकट्ठा खा लें। चार चार लोगों का भोजन तुम अकेले कर जाओगे दिन भर में, ऐसी भूख हो जाएगी। माने जो लोग शरीर में अकूत ताकत बढ़ाना चाहते हैं, भीम की तरह, पहलवानों की तरह, वो लोग इस तरह के चूर्ण जरूर इस्तेमाल करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि लोगों का भला हो। समझ रहे हैं ना आप लोग? लोगों का सबका भला होगा तो प्रकृति या कुदरत या परमात्मा आपका भी भला करेगा। तो मैंने जो सूत्र लिखा है, फार्मूला लिखा है, वो मैं आपको भी नोट कराता हूँ। फार्मूला नोट करें, सौंठ 50 ग्राम, अजमोद 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम, छोटी पीपलें 50 ग्राम, काला जीरा 50 ग्राम और सफ़ेद जीरा यही होता है जो आपके घरों में सब्जी में डाला जाता है, ये भी 50 ग्राम। इनको कूट लो, छान लो और कपड़े से छान करके रख लो। कूटने के बाद मिक्सी से भी आप पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में, इतना सब होने के बाद में, इसमें 5 ग्राम हीरा हींग के नाम से जो बड़े पंसारी हैं वो बेचते हैं इस तरीके की चीज़ें। हीरा हींग आप ले लीजिए, थोड़ा महंगा मिलता है, तो 5 ग्राम उसको, हींग को थोड़ा थोड़ा तोड़ करके गरम तवा पर, हल्के गरम तवा पे डाल दो और इस तरह से भून लो। उसको हल्का भूनने के बाद, काला नहीं पड़ना चाहिए, लाल हो जाए ठीक से, और फिर उसको पाउडर बना दीजिए और इसी चूर्ण में जो आपके ऊपर की चीज़ें हैं इसमें मिला के रख लो। कांच के बर्तन में रख लो या स्टील के बर्तन में रख लो और इस चूर्ण को आप उचित मात्रा में 3-4 ग्राम माने 1/4 चम्मच इस चूर्ण को अपनी दाल में मिला के आप खा सकते हैं, सब्जी में मिला के भी खा सकते हैं, या छाछ या दही को मत लो, उसमें भी डाल करके ये आप खा सकते हैं। ये विशेष स्वादिष्ट चूर्ण आपका बन जाएगा। पेट में गैस बनने की शिकायत को ये स्पेशली दूर करता है, बदहजमी नहीं होने देगा, कब्ज नहीं होने देगा, और जब कब्ज नहीं होगी तो शीघ्र पतन जैसी बीमारियां या फिर बवासीर जैसी बीमारियां, प्रमेह जैसी बीमारियां, लिकोरिया जैसी बीमारियां आपकी दूर होती चली जाएंगी, जो गुप्त रोग हैं। भूख नहीं लगती है, कुछ भी खाते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, तो ये बूढ़े लोग भी ज़रूर खाएं। बच्चों को नहीं लगती है तो बच्चों को भी उचित मात्रा में दे सकते हैं। और हाँ, जिसके पेट में दर्द हो रहा हो वो इस चूर्ण को, जवान है तो 4 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास गुनगुने गर्म पानी से मुंह में डालो, फंकी लगा लो,
अगर ऐसा करके लेता है तो व्यक्ति के पेट में एसिडिटी बन रही है, गैस बनना है, या फिर जो है दर्द हो रहा है, कोई सूजन या इन्फेक्शन आ रहा है, स्टार्टिंग हो रही है पेट में। जैसे कभी कभी होता है पेट के कोख में दर्द होने लगता है, बाइबोला का दर्द होने लगता है, गुल्म भी कहते हैं उसके लिए, तो होने लगता है स्त्री पुरुषों के, तो उसमें भी ये दूर करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। आप इस चूर्ण का इस्तेमाल करें और बॉडी बनाएं अपनी पहलवानों की तरह। आपका शरीर सुंदर, आकर्षक और स्वस्थ और सुदृढ़ और सुडौल बन जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा खाना खाओगे तो बेटा व्यायाम भी जरूर करना, कसरत भी खूब खींच के व्यायाम करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, पाचन तंत्र प्रायः किन लोगों का खराब होता है, जो लोग बैठे रहने का काम करते हैं, व्यायाम भी नहीं करते हैं, कोई काम भी सही से फिजिकल वर्किंग नहीं करते हैं, या फिर जो लोग जो हैं चिंता फिक्र ज़्यादा करते हैं, या फिर वो लोग जो लड़के पुरुष की मर्दाना ताकत कमज़ोर हो रही है, माने जिसकी मर्दाना ताकत कमज़ोर होने लगेगी, या फिर हस्त मैथुन करके जो अपनी मर्दाना ताकत को कमज़ोर कर लेगा, तो निश्चित रूप से जो है उसको इस तरीके की दिक्कतें पैदा होने लगेंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो।